न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन सरफराज खान और ऋषभ पंत ने उड़ाए न्यूजीलैंड की गेंदबाजों के परकच्छे। टीम इंडिया की हुई मजबूत वापसी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन टीम इंडिया की तरफ से ऋषभ पंत के शानदार 99 रन और सरफराज खान के तूफानी शतक के दम पर टीम इंडिया ने इस मुकाबले में वापसी कर ली। तो दोस्तों, हम आपको चौथे दिन के खेल का पूरा हाईलाइट तो बताएंगे, लेकिन आप भी ऋषभ पंत और सरफराज खान की दमदार बल्लेबाजी व भारतीय टीम की शानदार वापसी को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 250 लाइक, तो जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा करें। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले के चौथे दिन का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज चौथे दिन का खेल शुरू हुआ तो टीम इंडिया की तरफ से मैदान पर उतरे सरफराज खान के साथ ऋषभ पंत। दोनों बल्लेबाजों से भारतीय टीम को उम्मीद थी क्योंकि भारत अभी भी 125 रन पीछे थे, लेकिन आज की शुरुआत भी कमाल की हुई जब 51वां ओवर डालने आए विलियम और रुक की गेंद पर शानदार तरीके से बेहतरीन चौके के साथ आगाज कर दिया सरफराज खान ने, जब अपर कट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार उन्होंने भेजा। इसके बाद 51वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी और रुक की एक और गेंद को उन्होंने शानदार शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया कवर व पॉइंट के बीच में से, और एक ही ओवर में दो चौके जड़ दिए। वहीं पर इसके बाद 52वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी मैट हेनरी की एक और गेंद को सरफराज ने शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, तो एक गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर भी बाउंड्री लाइन के पार गई। वहीं पर ऋषभ पंत भी काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे तो अपना पहला चौका 54वें ओवर की चौथी गेंद पर लगाया, जब उनके बल्ले से बड़ा शॉट देखने को मिला और गेंद को उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। हालांकि यहाँ पर एक चांस जरूर क्रिएट हुआ था, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, सरफराज खान ने 57वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार चौके के साथ दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपने टेस्ट कैरियर का पहला शानदार शतक जड़ दिया। बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को तो मुश्किल स्थिति से उबारा ही, साथ ही एक 110 गेंदों पर शतकीय पारी खेलकर अपना पहला आक्रामक शतक जड़ दिया टेस्ट क्रिकेट इतिहास का सरफराज खान ने, और पंत के साथ मिलकर दमदार तरीके से टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया। शतक के बाद भी सरफराज का यह बल्ला रुका नहीं और 59वें ओवर की पहली गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इस बार भी गेंद को बैकफुट से शानदार तरीके से पंच किया और डीप पॉइंट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 65 गेंदों पर 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई। तो वहीं पर इसके बाद 61वां ओवर डालने आए टीम साउथी के ओवर का सामना कर रहे थे ऋषभ पंत, जो कि काफ़ी देर से साथ दे रहे थे सरफराज खान का, लेकिन इस गेंद पर उन्होंने भी बड़ा शॉट खेला और गेंद को सीधे डाउन द ग्राउंड साइड स्क्रीन पर मार दिया और शानदार छक्का यहां पर ऋषभ पंत के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और इस बार भी गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया कट के जरिए। इसके बाद तो दोस्तों, यहां पर ऋषभ पंत ने अपना आक्रामक खेल जारी रखा, लेकिन इसी बीच एक बेहतरीन चौका 64वें ओवर की 5वीं गेंद पर सरफराज खान के बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने एजाज पटेल की गेंद को शानदार तरीके से फाइन लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद एजाज पटेल जब 66वां ओवर डालने आए तो उनकी पहली गेंद का सामना कर रहे थे ऋषभ पंत, और ऋषभ पंत ने कूद कर गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से, और एक बेहतरीन छक्का यहां पर जड़ दिया एजाज पटेल की गेंद पर। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और इस बार भी गेंद को उन्होंने स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए इस ओवर का दूसरा छक्का जड़ दिया। जबकि दोस्तों, इस ओवर में ऋषभ पंत का ये आक्रामक परफॉर्मेंस आखिरी गेंद तक भी जारी रहा, जहाँ पर ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने लॉन्ग ऑफ की तरफ एक और बड़ा शॉट खेला और एक बार फिर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच ये साझेदारी अब शतकीय साझेदारी की तरफ बढ़ रही थी, और इस शतकीय साझेदारी को पूरा किया 69वें ओवर की आखिरी गेंद पर सरफराज के बल्ले से लगे चौके के साथ ही दोनों बल्लेबाजों ने 120 गेंदों पर 103 रनों की पार्टनरशिप कर डाली। इसके बाद ऋषभ पंत ने 71वें ओवर की चौथी गेंद पर शानदार चौके के साथ ही मात्र 55 गेंदों पर अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर दिया और टीम इंडिया की बढ़त अब सिर्फ 12 रनों की बची थी, लेकिन टीम इंडिया का स्कोर जब 71 ओवर में 344 रन था तभी एक बार फिर से बारिश स्टार्ट हो गई और इस मुकाबले को रोकना पड़ा। लेकिन दोस्तों, आज चौथे दिन के खेल में भारतीय टीम ने 22 ओवर में 113 रन बना लिए बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। अभी भी क्रीज पर ऋषभ पंत 53, तो वहीं पर सरफराज खान 125 रन बनाकर नाबाद थे, यानी कि दोनों बल्लेबाज दमदार बल्लेबाजी कर रहे थे।
वहीं पर इसके बाद बारिश के ब्रेक के बाद मुकाबला शुरू हुआ तो एक बार फिर सरफराज खान और ऋषभ पंत क्रीज पर उतरे। तो इस दौरान भी दोस्तों यहां पर ऋषभ पंत ने शानदार आगाज किया और आते ही रचिन रविंद्र की गेंद पर बड़ा शॉट खेला और गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर इस सत्र की शुरुआत भी शानदार तरीके से उन्होंने कर दी। इसके बाद दोस्तों ऋषभ पंत के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला जहां पर उन्होंने और रुक की गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार फेंक दिया। यह भी ऋषभ के बल्ले से निकला हुआ एक बेहतरीन शॉट था। वहीं पर इसके बाद यहां पर सरफराज खान ने भी एक कमाल का शॉट खेला और गेंद को अपरकट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो एक बार फिर से कामयाब हुए। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक बेहतरीन शॉट था। इसके बाद तो दोस्तों यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने अपने आक्रामक खेल को जारी रखा। वहीं पर 77वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार चौका यहां पर ग्लेन फिलिप्स की गेंद पर देखने को मिला ऋषभ पंत के बल्ले से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, जहां पर गेंद को शानदार तरीके से कैप में डाला और चौके के साथ ही दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 150 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई और टीम इंडिया अब धीरे धीरे मजबूत स्थिति में पहुँचती हुई नजर आई। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 78वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक शानदार चौका यहाँ पर देखने को मिला शानदार बल्लेबाजी करते हुए सरफराज के बल्ले से, जब उन्होंने गेंद को पॉइंट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 84वें ओवर की 5वीं गेंद पर सिंगल के साथ ही शानदार तरीके से अपने 150 रन भी पूरे कर लिए। सरफराज ने पहले ही शतक को 150 रनों में तब्दील कर लिया, जिसके लिए उन्होंने 194 गेंदों का सामना किया। तो साथ ही भारतीय टीम की बढ़त भी 51 रनों की हो गई। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 85वें ओवर की पहली गेंद पर कवर के ऊपर से बड़ा शॉट खेलना चाहते थे सरफराज, लेकिन यहाँ पर गेंद सीधे एजाज पटेल के हाथों में गई और भारतीय टीम को यहाँ पर सरफराज के रूप में करारा झटका लगा। सरफराज खान की हम बात करें तो 195 गेंदों का सामना करते हुए शानदार 150 रनों की पारी खेलकर वो पेवलियन लौटे। इसके बाद क्रीज पर उतरे केएल राहुल ने आते ही 86वें ओवर की चौथी गेंद पर एक चौके के साथ अपनी पारी का शानदार तरीके से आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद ऋषभ पंत ने 87वें ओवर की तीसरी गेंद जो कि टीम साउथी ने डाली थी, इस गेंद पर शानदार तरीके से बड़ा शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला और गेंद को उन्होंने स्लॉग स्वीप के जरिए स्क्वायर के ऊपर से स्टेडियम के बाहर फेंक दिया और ये 107 मीटर का शानदार छक्का जड़ा, जिसे देखकर सब अचंभित थे। लेकिन इसके बाद यहां पर 88वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी केएल राहुल के बल्ले से एक और स्ट्रेट शॉट देखने को मिला, जिस पर गेंद को उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार फेंक दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों ऋषभ पंत जब 99 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे तो 89वें ओवर की पहली गेंद ओरुक ने डाली और इस गेंद पर उनके बल्ले का इनसाइड एज लगा और गेंद सीधे स्टंप पर जाकर लगी और भारतीय टीम को करारा झटका लगा और यहां पर ऋषभ पंत 99 रनों की दमदार पारी खेलकर पेवलियन लौटे, लेकिन अपना शतक पूरा नहीं कर पाए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों रविंद्र जडेजा ने भी यहाँ पर 90वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका स्ट्रेट शॉट खेलते हुए उन्होंने भी जड़ दिया, लेकिन 91वें ओवर की दूसरी गेंद पर ओरुक ने भारतीय टीम को केएल राहुल के रूप में एक और झटका दिया। विकेट कीपर ने शानदार कैच पकड़ा और केएल राहुल इस मुकाबले में भी कुछ खास नहीं कर पाए और एक बार फिर से निराश करके पेवलियन लौटे। उन्होंने 16 गेंदों पर 12 रन बनाए और इसी के साथ दोस्तों चायकाल का समय हो गया। चायकाल तक भारतीय टीम ने 438 रन बना लिए। इस सत्र की हम बात करें तो भारतीय टीम ने 94 रन बनाए और 3 विकेट गंवाए, जिसके चलते यह सत्र न्यूजीलैंड की टीम के नाम रहा। वहीं पर अब भारत की बढ़त हो चुकी थी 82 रनों की। वहीं पर आज के दिन के तीसरे सत्र का खेल शुरू हुआ तो यहां पर भी टीम इंडिया के लिए कुछ भी खास नहीं हुआ और 93 ओवर की तीसरी गेंद पर रॉक ने एक बार फिर से पेवलियन भेज दिया रविंद्र जडेजा को। यहां पर शानदार कैच पकड़ा विलियंग ने। रविंद्र जडेजा इस मुकाबले में 15 गेंदों का सामना करने के बाद 5 रन बनाकर पेवलियन लौटे। इसके बाद रविचंद्रन अश्विन ने 95वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और गेंद को शानदार तरीके से स्ट्रेट शॉट के जरिए डाउन द ग्राउंड चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इस चौके के साथ ही दोस्तों भारतीय टीम की बढ़त भी 100 रनों के पार हो गई, यानी कि अब उम्मीद जग रही थी कि टीम इंडिया यहाँ से मुकाबले में शानदार वापसी कर सकती है। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 98वें ओवर की तीसरी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन को भी LBW आउट करके पेवलियन भेज दिया। रविचंद्रन अश्विन इस मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे, लेकिन आखिरकार 24 गेंदों पर 15 रन बनाकर वो भी मैट हेनरी का शिकार बने। इसके बाद 100वें ओवर की पहली गेंद पर जसप्रीत बुमराह के बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद सीधे गई विकेट कीपर ब्लंडल के हाथों में और भारतीय टीम को एक और झटका लग गया, यानी कि विकेट नंबर 9 और जसप्रीत बुमराह 4 गेंदों का सामना करने के बाद शून्य पर ही चलते बने। इसके बाद DSP सिराज क्रीज पर उतरे, लेकिन वो भी ज़्यादा कुछ खास नहीं
नहीं कर पाए और 100वें ओवर की तीसरी गेंद पर वो भी अपना कैच टिम साउथी को थमा बैठे और भारतीय टीम एक बार फिर से 462 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारतीय टीम के लिए एक बार फिर से कोलैप्स देखने को मिला, जहां पर आखिरी 7 विकेट भारतीय टीम ने मात्र 62 रनों पर ही गंवा दिए और इस मुकाबले में सिर्फ 106 रनों की लीड ले पाई और 107 रनों का लक्ष्य न्यूजीलैंड की टीम के सामने रखा। वहीं पर दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम इस 107 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो भारतीय टीम की तरफ से सिर्फ 4 गेंदों का ही खेल हुआ था कि अंपायर ने कम रोशनी बताकर इस मुकाबले को रोक दिया और इसके बाद तो दोस्तों यहां पर मुकाबले में बारिश भी शुरू हो गई, जिसके चलते आज के दिन के खेल की समाप्ति करनी पड़ी। यानी कि चौथे दिन की समाप्ति तक न्यूजीलैंड की टीम ने 4 गेंदों पर 0 रन बने हैं। अब उस टीम को 5वें दिन मुकाबला जीतने के लिए 107 रन चाहिए, जबकि भारतीय टीम को 10 विकेट। तो दोस्तों क्या लगता है, भारतीय टीम इस मुकाबले को 10 विकेट चटका कर जीत पाएगी या फिर न्यूजीलैंड जीतेगी? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।